ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू थ्री एंगल बी इक्वल टू टू ब्रैकेट स्टार्ट एंगल ए प्लस एंगल बी ब्रैकेट क्लोज्ड फाइंड द थ्री एंगल्स एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें इस तरह की इक्वेशन बनती है एंगल्स को लेकर तो उसके तीनों एंगल्स क्या होंगे ये फाइंड करना है तो हमें गिवन है यहाँ पर गिवेन दैट एंगल सी इक्वल टू थ्री एंगल बी इक्वल टू टू एंगल ए प्लस एंगल बी तो यहाँ पर थ्री एंगल बी इक्वल टू टू एंगल ए प्लस एंगल बी ये इसके इक्वल है इसको यहाँ पर अलग कर लेते हैं तो थ्री एंगल बी एक्ल टू टू एंगल ए प्लस टू एंगल बी टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया अब टू एंगल बी इस तरफ आकर माइनस होगा तो थ्री माइनस टू वन एंगल बी एंगल बी इक्वल टू टू एंगल ए या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी अपॉन टू ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आगे एंगल सी हमें गिवन है एंगल सी इक्वल टू थ्री एंगल बी ये गिवन था हमारे पास तो एंग... एंगल सी इक्वल टू थ्री एंगल बी अब हम सॉल्व करते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू वन एटी डिग्री अब एंगल ए इक्वल है एंगल बी अपॉन टू के एंगल बी एंगल बी के ही इक्वल होगा एंगल सी है इक्वल है थ्री एंगल बी के तो इन तीनों को ही एंगल बी की फॉर्म में यहाँ पर कर दिया गया अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पर टू एल आएगा एंगल बी प्लस टू एंगल बी प्लस सिक्स एंगल बी अपॉन टू इक्वल टू वन एटी डिग्री आगे ये नाइन एंगल बी बनेगा टू इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा थ्री सिक्सटी डिग्री एंगल बी इक्वल टू नाइन इसको डिवाइड करेगा एंगल बी आएगा फोर्टी डिग्री तो एंगल ए कितना होगा इक्वेशन नंबर वन यहाँ पर इम्प्लाइज करेगी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी अपॉन टू ट्वेंटी डिग्री और इक्वेशन नंबर टू इम्प्लाइज करेगा यहाँ पर एंगल सी इक्वल टू थ्री एंगल बी एंगल बी कितना है फोर्टी डिग्री फोर्थ इज अ ट्वेल्व वन ट्वेंटी डिग्री तो इस तरह से हमारे पास एंगल ए ट्वेंटी डिग्री एंगल बी फोर्टी डिग्री एंगल सी इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री एंगल ए यहाँ पर ट्वेंटी डिग्री एंगल बी 40 डिग्री और एंगल सी 120 डिग्री आ जाएगा तो ये ट्रा के तीनों एंगल्स आ गए इन तीनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री बनेगा तो नेक्स्ट सेट वन का क्वेश्चन नंबर सेवन है जो कि सेट थ्री में क्वेश्चन नंबर एट है सेट टू का इसी में सेपरेट अलग से एक डिफरेंट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर टेन है वो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि सेट वन और सेट थ्री में है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन्स वाई इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू माइनस सिक्स हैज़ तो सिंपली इसका आंसर जो है वो नो no सल्यूशन आएगा नो no सल्यूशन क्योंकि यहाँ पर अगर हम ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू करके देखें तो यहाँ पर ये y दिया गया है y मीन्स बी वन अपॉन बी टू और ये सी हो गए ज़ीरो एंड माइनस सिक्स तो ज़ीरो अपॉन माइनस सिक्स बी वन अपॉन बी टू मीन्स वन अपॉन वन क्योंकि यहाँ पर कॉफिशेंट वन है वन अपॉन वन वन हो गया सी वन अपॉन सी टू अगर करते हैं तो ये ज़ीरो अपॉन माइनस सिक्स मीन्स ज़ीरो आएगा तो वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो इस तरह से बी वन अपॉन बी टू इज़ नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तो ये नो no सोल्यूशन बनेगा ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर टेन सेट टू का है इसमें ए वन अपॉन ए टू क्योंकि एक्स दिया गया है एक्स के वेरिएबल हैं वन 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 अपॉन वन इक्वल टू वन और सी वन अपॉन सी टू जीरो अपॉन माइनस फोर इक्वल टू जीरो वन नॉट इक्वल टू जीरो रहता है तो ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तो यहाँ पर नो no सल्यूशन बनेगा